हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की वीडियोस का, दैट इज इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इकोलॉजी, इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि भाई ये भला क्या है। कुछ लोग तो एनवायरनमेंट को ही इकोसिस्टम बना देते हैं। बट आज हम इस वीडियो में ये आपका जो डाउट है उसको क्लियर कर देंगे। तो टॉपिक काफी छोटे छोटे हैं, है ना? तो हम आज कुछ इंटरैक्ट भी करेंगे। अदरवाइज मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसे बोला भी था कि आप लोग सिर्फ कंटेंट पे ध्यान देते हो, बीच में इंटरेक्शन होना जरूरी है। आज हम इंटरेक्शन भी रखेंगे क्योंकि मैं आपके साथ फेस टू फेस बात नहीं कर रही हूँ, मेरी ये रिकॉर्डिंग है। तो आपको जो भी बात होगी मुझसे आप वो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं देख लूंगी और ट्राई करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वो छोटी छोटी होगी तो उसमें हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? तो आज हमारे पास है इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। सबसे पहले जो बच्चों का जो वो एक कंफ्यूजन उनमें रहती है कि व्हाट इज इकोलॉजी, है ना? पहले हम इकोलॉजी को ही देखेंगे। इकोलॉजी सबसे पहले क्या है? एक साइंटिफिक स्टडी है ना? इको मतलब इन्वायरमेंट के रिलेटेड, है ना? और लॉजी मतलब स्टडी। इसीलिए ये क्या है? एक साइंटिफिक स्टडी है। और किसकी? इंटरेक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, जो भी वेरियस ऑर्गेनिजम्स हैं और उनका जो इन्वायरमेंट है वो कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करता है, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं इकोलॉजी, ठीक है? और साथ में इकोलॉजी में हम देखते हैं कि जो वेरियस ऑर्गेनिजम्स हैं उनका एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप क्या है ना? और वो कौन कौन से टैक्सोनॉमिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं, है ना? टैक्सोनॉमी तो आपको पता होगी कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो वेरियस वेरियस टैक्सोनॉमिक ग्रुप से बिलोंग करता है। तो इकोलॉजी में हम ये भी स्टडी करते हैं कि उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, वेदर टू ऑर्गेनिज्म आर बिलोंगिंग फ्रॉम सेम टैक्सोनॉमिक ग्रुप और डिफरेंट टैक्सोनॉमिक ग्रुप। ये चीजें भी हम इकोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है? और उनका फिजिकल इन्वायरमेंट कैसा है ना? एक फिश है वो पानी में रहेगी, एक ह्यूमन बींग है वो लैंड पे रहेगा, तो क्या होगा? उनका फिजिकल इन्वायरमेंट डिफरेंट हो गया ना? ये चीजें भी हम किस में पढ़ते हैं? इकोलॉजी में पढ़ते हैं कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का उसका एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है? ये भी किसमें आ जाता है? स्टडी ऑफ, साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स, जिसको हम इकोलॉजी कहते हैं, ठीक है? ये फिर उन्होंने बताया है कि सबसे पहले ये जो वर्ड था ना, टर्म इकोलॉजी, वो यूज की गई थी बाय अर्नेस्ट हेकेल इन 1869। बट ये इतना पुराना कंसेप्ट है, इसमें फिर भी मॉडिफिकेशंस होती रहती हैं, होती रहती हैं, होती रहती हैं, इसलिए ये मच रिसेंट भी माना जाता है, ठीक है? अब 1869 बाकी वाली अगर हम साइंसेस देखें उससे तो काफी रिसेंट है ये वाला, है ना? जो साइंस है इकोलॉजी। उसके बाद जो इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट है ना, ये भी 1935 के करीब करीब ही आर्थर टेंसले ने इस पे वर्क किया था। और बहुत सारे जो जैसे रिलेटिव, जैसे ह्यूमन की जो इकोलॉजी है, ह्यूमन पॉपुलेशन की इकोलॉजी है, ये सब मच लेटर जो है कॉन्सेप्ट है इकोलॉजी के, ठीक है? आई होप आप लोगों को इकोलॉजी समझ आया होगा। इन शॉर्ट मैं आपको बता देती हूँ इकोलॉजी क्या होती है। जो भी ऑर्गेनिज्म है वो कैसे अपनी सराउंडिंग वाले ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, उसका फिजिकल इन्वायरमेंट कैसा है और वो एक इन्वायरमेंट में कैसे रहता है, ये सारी चीजों को जब हम स्टडी करते हैं ना फॉर द पर्पस ऑफ अवर, हमारी जानकारी के लिए,
जो वो जो स्टडी होती है ना उसको हम बोलते हैं इकोलॉजी। ठीक है, आई होप आज के बाद आपको इकोलॉजी का कंसेप्ट जो है वो नहीं कंफ्यूज करेगा। ये मेरे पास डायग्राम है, इस डायग्राम में इन्होंने पहले तो डेफिनेशन ही दिया व्हाट इज इकोलॉजी। इट इज अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट एंड द बैलेंसेस बिटवीन देयर रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप के बीच में बैलेंसेस भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन ह्यूमन का जो रिलेशनशिप होगा वो खा एक दूसरे को खाएंगे तो नहीं ना, मतलब कुछ जिनको साइकिक प्रॉब्लम होगी वो तो खा भी सकते हैं, या फिर जो कैनिबल्स होंगे वो खा सकते हैं, बट मोस्टली बट जो अब ह्यूमन और एग का क्या रिलेशनशिप हो सकता है, ह्यूमन तो एग को खाएगा है ना, इसीलिए बैलेंसेस ऑफ रिलेशनशिप भी होते हैं इसमें इकोलॉजी में जो हम स्टडी करते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हियर वी गो। यहाँ पे इकोसिस्टम, इको सिस्टम पहले क्या था, इकोलॉजी, इको को हमने क्या करना था, स्टडी करना था। अब इको जो एनवायरनमेंट है उसको हमने एज अ सिस्टम पढ़ना है। ठीक है, कि वो सिस्टम क्या है, सिस्टम क्या है, ये एक सेल्फ रेगुलेटिंग एसोसिएशन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जैसे कि प्लांट्स की, एनिमल्स की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, विद देयर नॉन लिविंग वर्ल्ड सच एज फिजिकल एंड केमिकल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। अब आप लोग बोलोगे ये क्या हो गया, पता नहीं चला, मैं बताती हूँ, डोंट वरी। ठीक है, इकोसिस्टम मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे रहते हैं, उनका कैसा सिस्टम कैसा है, वो जब फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिज्म लैंड पे रहता है, ह्यूमन बीइंग्स का ही लगा लो एग्जांपल, तो वो जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो प्लांट्स के साथ भी इंटरेक्ट करेंगे, एनिमल्स के साथ भी इंटरेक्ट करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ भी इंटरेक्ट करेंगे और अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरेक्ट करेंगे। ये सारी की सारी जो उनकी इंटरेक्शन है, रेगुलेट इंटरेक्शंस को रेगुलेशन जो किया जाता है वो एक सिस्टम सिस्टमेटिक तरीके से होता है ना। अब ये नहीं है कि ह्यूमन बींग उठ के पहाड़ खाना स्टार्ट कर देंगे, नो, ह्यूमन बींग्स खाने वाली चीजें ही खाएंगे जो एडिबल होगा। ठीक है, ये उनकी एक क्या है, एक सिस्टमेटिक चीजें हैं उनकी, तो ये सारी की सारी चीजें क्या बनाती हैं उसकी, एक इकोसिस्टम, कि उसका इकोसिस्टम कैसा है। अब कुछ एनिमल्स हैं या फिर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो पोंड में रहते हैं, तो उनका इकोसिस्टम पोंड वाला हो जाएगा है ना, जैसे फ्रॉग हो गया, फिशेस होगी, और बड़े सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो पोंड में रहते हैं, तो उनका इकोसिस्टम पोंड वाला हो गया। अब ह्यूमन बींग पोंड में जाके रह सकते हैं, ऑब्वियसली नॉट। इसीलिए हर एक ऑर्गेनिज्म का जो इकोसिस्टम होता है वो उसकी रिक्वायरमेंट्स, उसकी इंटरेक्शंस, उसकी नीड पे डिपेंड करता है। ठीक है, समझ आ गया डिफरेंस। इकोलॉजी हो गया जो हम स्टडी करते हैं वेरियस इंटरेक्शन को, इकोसिस्टम हो गया कि एक ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट में कैसे कैसे एक दूसरे के साथ एसोसिएट करता है, अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ, अपने नॉन अपने लिविंग एनवायरनमेंट के साथ, ये सब किस में आ जाता है, इको सिस्टम में। अब एक और चीज है एनवायरनमेंट है ना, एनवायरनमेंट होता है कि एक ऑर्गेनिज्म की सराउंडिंग कैसी है एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड में, वो उसका आ जाता है इको सॉरी एनवायरनमेंट। ठीक है, बट इकोसिस्टम क्या है, उस एनवायरनमेंट के साथ उस ऑर्गेनिज्म की इंटरेक्शन कैसी होती है, समझ आ गई बात। आई होप आपको आज की जो टॉपिक जो मेन मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है वो समझ आ गई होगी। उसके बाद ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, दैट इज कि इकोसिस्टम की जो टर्म है ना ये इंट्रोड्यूस करी गई थी बाय एजी टैंसले इन 1935। ठीक है, उसके बाद 1969 में ओडम ने डिफाइन किया था इकोलॉजी को एज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर। ठीक है, ये आपको अगर आपको कहीं आप रिटन एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पे आप लिख सकते हो, अदरवाइज दीज थिंग्स आर ऑफ वेरी लेस यूज।
आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी थी वो मैंने आपको कर दी है। आई होप आप लोगों को आज का जो लेक्चर है वो समझ आ गया होगा। इसलिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो आगे हम देखेंगे मे बी बेसिक टर्म्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी लेके आए, या फिर हम टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।